मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आज रात को ही ना कहीं पेन ज्यादा हो जाए, क्योंकि मेरा शंभू गए कहे शंभू। तो दोस्तों एक बार फिर से बैठ चुके हैं हम पूरे परिवार के साथ में। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल कुक रेडी फैमिली में। और दोस्तों आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ किचन से, और आज है किचन में मेरे साथ माँ, और माँ बना रही है कुछ स्पेशल, क्योंकि मम्मी जब किचन में होती है तो कुछ अलग से ही बनता है, कुछ स्पेशल बनता है। हाँ, तो मैंने पहले बोल दिया खाने से पहले, मम्मी बोल रही है भरी रोटी या स्वाल बनाना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भरी रोटी। हाँ, तो आप क्या बनाना चाहती है, स्वाल? मम्मी ने कर दिया मसाला तैयार। ये आलड़ को आलड़ बोलते हैं। और काशी की आवाज आ रही है अंदर से, काशी को आज स्कूल नहीं भेजा क्योंकि काशी इस पूरे हफ्ते स्कूल नहीं जाएगी, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इस हफ्ते में कभी भी हो सकता है बेबी, कभी भी संभव आ सकता है ना, तो इसीलिए काशी जो है आराम कर रही है। तो काशी उठ गई और टाइम देख लो 10 बज गए। इस टाइम तो बच्चा तो स्कूल में क्या कर रहा होता है, एक घंटा हो चुका होता है स्कूल में। तो हमने सोचा है कि इस हफ्ते काशी को पूरा रेस्ट दिया जाए। काशी को रेस्ट नहीं, मुझे रेस्ट दिया जाए। मैंने अपनी वजह से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली काशी। ये तुमने बहुत अच्छा किया, हिम्मत नहीं हो रही है। अब लग रहा है कि एक हफ्ते तक डिलीवरी हो जाएगी, तो एक हफ्ता ही नहीं, ये तो कंफर्म है कि इस हफ्ते डिलीवरी हो जाएगी। नाश्ता कर लिया है दोस्तों, और अब मैं जा रहा हूँ विशाल क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बने अभी तो कुछ दिनों पहले आप विशाल गए थे, तो विशाल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ मिस हो गई थी और जो चीज़ आपने कमेंट्स में रिकमेंड भी की है सीमा को, जैसे कि अभी सॉक्स लगे हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए, और वो मिटन होते हैं ना, मिटन ही बोलते हैं सीमा उसको, मिटन। हाँ, तो वो लेने जा रहा हूँ, और साथ में मेरे साथ जा रही है काफ़ी। एक्चुअली मुझे याद था पर गर्मी बहुत हो रही थी, अब बीच में फिर से ठंड हो गई है, बारिश वारिश, मैंने कहा सही याद दिलाया आपने कि बर्फ ही लगा। आ गया दोस्तों विशाल में काशी को लेकर, और बस कुछ ही देर में करते हैं विशाल के अंदर एंटर और दिखाते हैं आपको आगे काशी के लिए क्या क्या लेते हैं। काशी चले? हाँ वही है विशाल, चल। आ गया मैं काशी को लेकर विशाल में, और अभी हम हैं बेसमेंट में जहाँ पे किड सेक्शन है। इसको देखो, तो लग गया अपने लिए कपड़े देखने के लिए। इश्को हाँ वैश। तो मैं सोच रहा हूँ ना कुछ इस तरह का ले लूँ, जैसे अगर बेबी खाना वाना खाता है तो लगाने के लिए, ताकि गिरे ना कुछ उस पर। तो मैं पूछता हूँ सीमा को, वीडियो कॉल करता हूँ उसको अभी, और दिखाता हूँ। ले ले बेबी के लिए, ये ले ले बेबी। तो ये मिल गया फाइनली मिटन सेट, जो कि यहाँ पे था एकदम कोने में, तो समझ नहीं आ रहा कितने लूँ। काशी ने अपनी जीन्स ले ली, जीन्स रख दी उसने अपनी इसमें। काशी ठीक है, वो जीन्स ठीक है? अच्छा, ये बेबी के लिए, शंभू के लिए लो, रख दो, वो भी रख दो उसमें। वेरी गुड। यहाँ पे आने के बाद ना इतनी सारी चीज़ें हैं, मन कर रहा है सब कुछ ले लूँ, क्योंकि मैट्रेस भी हैं, ये पिलो भी हैं, और शूज़ भी हैं बच्चों के लिए। तो बस सभी घर निकलते हैं और दिखाते हैं फिर आपको आगे। मैं लेकर आया हूँ इसके अंदर जो भी है, और काशी के हाथों में जो है। अरे वाह, जहरी ले क्या है? ओ तेरी, ओहो एक पैंट और आ गई तेरी, अच्छी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। जिस दिन मैंने लास्ट टाइम वो पैंट ली थी ना काशी के लिए, हाँ। तो मेरे को उस दिन यही पसंद आई थी, पर उस दिन मैंने ली नहीं, तो मैंने मेरा मन था इस पे, अच्छा, तो आज ले ली मैंने। मतलब ये मुझे लग ही रहा था जिस पे तुम्हारा मन हुआ तुम वो ले गए ना। ये है सॉक्स, न्यू बॉर्न के तो नहीं लग रहे मुझे, स्मॉल साइज है सीमा, इससे स्मॉल क्या होगा, न्यू बॉर्न भी आता है साइज, स्मॉल साइज तो बड़ों में होता है बच्चों में। मेरे काशू के टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी यार, बेब वगैरह, ये मेरी में किचू मेरा कल्लू। हाँ फूड खाते हो ना, यहाँ गिरता है फूड। और ये ओहो हैंकी, और ये सीमा खोल रही है बहुत मेन चीज, इसी के लिए रहते तुम, जिसके चक्कर में सब आ गया। अरे थ्री पीस सेट है, अरे कैप भी तो है इसमें, ये तो चाहिए था मेरे को। कहाँ चढ़ रही है, कहाँ चढ़ रही है यार, मौसम ने सब बिगाड़ दिया, मैंने पैकिंग कर रखी थी उसके हिसाब से, हल्की ठंडी नहीं थी बिल्कुल, अभी कितनी गर्मी हो गई थी, और अब फिर से करना पड़ रहा है। ये दोस्तों हो रही है पैकिंग शुरू, और आप लोग
ये मत पूछना कि किस चीज की पैकिंग हो रही है, क्योंकि ये पैकिंग जो हो रही है आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, सही गैस कर रहे हैं आप लोग, ये हो रही है हमारे आने वाले शंभू के लिए पैकिंग। ये दे देना मम्मी, ये देखो दे रखे कपड़े, अरे वाह इतना तो आई जाए। नन्नू के नहीं, ये शानी का है। अच्छा शानी का है। ये इतनी खुश हो रही है, इसको लग रहा है कोई घूम जा रहे हैं, बैग लेके। मैं ही जा रहा हूँ। पापा भी आ रहे हैं। ऐसा करते हैं आज एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम पापा? पर्चिंग वाले सिस्टम 21-22। अच्छा आज देखते हैं, देखते हैं कपड़े की पहन हो रही है ना, आज देखते हैं आज क्या होता है। पापा ने पहले ही कह दिया था कि जो हमारा मतलब आएगा, मतलब कुकरी की फैमिली का मेंबर आएगा, वो आएगा क्या बोलते हैं नवरात्रों में। हाँ, उस टाइम डेट ही मिली थी मुझे, उस टाइम वही था कि नवरात्रों में हो जाएगा तो कितना बेस्ट होगा, क्योंकि हमारी दादी जी भी नवरात्रों की हो रखी है, फिर मम्मी भी नवरात्रों की हो रही है, फिर शैली भी नवरात्रों में आई, तो पापा की तमन्ना है कि जो बेबी आए वो भी नवरात्रों में ही आए। हाँ, मुझे बहुत खुश हो जाएगी कि हमारा चार ये बार चौदह हो जाएगा नवरात्रों में। लेकिन दीदी को लग रहा है कि नवरात्रों से पहले यानी कल ही ना हो जाए, ऐसा लग रहा है। सही है, मुझे तो मुझे आज मॉर्निंग से ही बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, होता नहीं है रुक रुक के पेन वाला। पापा खेल लेते, थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाए, मेरा ध्यान भी भटक गया क्योंकि मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। और सच बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों की आज रात को ही ना कहीं पेन ज्यादा हो जाए, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज्यादा टाइट टाइट सा भी हो जा रहा है। और मैंने पढ़ा है कहीं पे जब ऐसा कुछ होता है ना तो डिलीवरी डेट नजदीक आने वाली होती है, कॉन्ट्रेक्शन टाइप के, और उठ उठ के दर्द उठ रहा है मुझे। कासू के टाइम पे भी 16 हो रहा था मुझे ऐसी दर्द बहुत ज्यादा, उस दिन में तो जाने को तैयार हो गए थे, पर उस दिन कोरोना था, इसके टाइम में तो मैंने घी भी दिया, वो भी मैंने घी दे दिया, वो बंदी हो गया, बंदी हो गया। आज ऐसे होता है, आज भी ऐसा करेंगे मम्मी, ऐसा होता है घी ना वो लाल पानी में दे दी थी, घी देखे होता ना पापा, अगर असली में डिलीवरी हो तो दर्द तेज हो जाता है, पर डिलीवरी नहीं होने वाली है मुझे फर्स्ट रक्षा तो दर्द बंद हो जाए। मेरी दोस्त ने भी कहा था, काशी शंभू 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 टम्मी टम्मी बाहर लगा के बोलती है ना, शंभू का है का है शंभू। बस दोस्तों बनाते हैं पर्ची और दिखाते हैं आपको आगे ऑन द जस्ट फॉर फन, देखते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से बैठ चुके हैं हम पूरे परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में, और एक बार आप लोगों ने हमें पहले भी देखा था अभी कुछ दिनों पहले, जो कि हमने बनाया था जिसमें हमने एक गेम खेला था कि क्या होगा लड़का या लड़की, तो हमने वो एक फन की तरह गेम खेला था, और देखा था आपने किस तरह से लास्ट में सैली ने पर्ची उछाल के पूरी बाजी पलट दी थी। तो इस बार क्या हुआ कि अभी जो है ना, इसे बताया था अभी आपको कि जो सीमा का टाइम भी नज़दीक आ रहा है ना प्रेगनेंसी का, कभी भी हो सकता है, तो फिर पापा ने सजेस्ट किया कि जैसे मतलब कल हो सकता है 21 को या 22 को, ऐसे हम सभी लोग सोच रहे हैं कि 21 को हो सकता है ना 22 को हो सकता है। हाँ, तो 21 या 22 में से एक हो सकता है, तो वही सीमा ने पर्ची बनाई है 21 और 22, और उसी तरह पैटर्न कुछ रखा है कि पूरी 18 पर्चियां हैं, जिस तरह की हम कितने लोग हैं इस टाइम, हम पूरे 9 लोग हैं इस टाइम, तो 18 पर्ची बनी है, और 18 पर्ची में से सिर्फ 9 पर्ची खुलेंगी, ठीक है, 9 पर्ची खुलेंगी 18 पर्ची में से, और जो ज्यादा होगा तो फिर ऐसे ही फन की तरह की हम लोग मानेंगे कि चलो इस दिन हो सकता है, ठीक है, तो एक क्योंकि कल भी हो सकता है परसों भी हो सकता है, भाई क्या पता रात में हो जाए, रात में हो सकता है, कुछ नहीं पता, जिस तरह से चल रही है सिचुएशन तो पता नहीं यार, बेबी होने से पहले एक बार और थोड़ा सा गेम खेल लिया जाए। वो भी हमने इसलिए सोचा क्योंकि मैं मॉर्निंग से लगी हुई थी ना, तो पापा चाहते थे कि नवरात्रों में हो जाए तो ज्यादा बेटर, जैसे मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, तो फिर वही फिर हमने सोचा एक बार करके देखते हैं, क्या पता क्या क्या देखते हो क्या निकलता है। तो पर्ची दोबारा से इस वाली कॉपी के अंदर है, तो इसमें है पर्चियां सारी, ठीक है दोस्तों। सैली कैसे देख रही है? दोबारा से सैनिक नजर सारी पर्ची पे है, तो देख रही है कि दोबारा मैं ही निकालूंगी रिजल्ट, तो चलो सैनिक हाथ लगाओ, ऐसे पहले हाथ लगाओ, ठीक है चलो। अच्छा। तो पहले उछालते हैं और फेंकते हैं, और सबसे पहले जो उठाएगी वो सैनी उठाएगी, चलो काशी उधर देखो बच्चे उधर उधर ताली बज गई, पहले चलो सैनी उठाओ, उठाओ उसे दो पर्ची उठाई 21 और 22 तो हाथ में रह गई, जो नहीं तो हाथ में रह गई, तो दो उठाई थी लेकिन जो हाथ में रह गई वो है अभी देखना नहीं है यार,
अच्छा चलो तो अब सैली की बात बारी है नन्नू की। नन्नू एक उठाने का सी बन ओनली वन वाली वहाँ दिखाओ उधर दिखाओ दिखाती हो आप ऐसे दिखाओ उधर हाँ चलो आप कौन सा छोटा है अंजलि छोटी रहेगी मेरे पास तो उठा लेता हूँ पर्ची उठा लिया मेरी बारी है उठा ली मैंने उठा लिया छोटा हूँ पापा अपने आपको हमेशा जवानी चलो भैया उठा लिया ये पर्ची अब जो 18 पर्ची थी हम 9 लोग हैं ठीक है तो 9 लोगों ने पर्ची उठा ली है और बाकी जो पर्ची रह गई थी वो अब रख दी है तो अब जहाँ से खत्म हुआ था जिसने सबसे लास्ट में उठाई थी वो सबसे पहले खोले और बताएगा कि कौन सी डेट आई है यानी पापा यानी कि पापा हैं बताओ मेरा 22 तो पापा का आया है 22 मार्च पापा यही चाहते थे क्या 32 पिछली बार में पिछले साल भी सेम था तो मेरा तो लगी मेरी बारी है पक्का 21 होगा क्योंकि जो मम्मी पापा का होता है उससे अलग ही होता है मेरा ये देखा सोच 21 21 मेरा भी यही होगा फिर देख लेना 22 सोच पे हैं 3 और 21 अभी एक ही है 21 को भी एक वोट मिला है पापा सचिन की बारी है भाई तो मेरी बारी आई है तो मेरा मतलब 21 ही है सचिन का भी इस बार 21 आया तो 22 को 22 हो गए 3 और 21 हो गए 2 3 2 मेरी बारी नन्नू तो 2 पर्ची है ना सही है 22 4 और 2 4 22 और 2 अब इसका अगर 22 निकल गया तो रिजल्ट नहीं आ रहा बोलो22 तो हो गए 5 और 21 को हो गए 2 बस हम दोनों के 21 के बेटा अरे अरे फाड़ दिया और नन्नू का भी 21 आया और वो फाड़ दिया उसने 21 फाड़ भी दिया है मैं तभी बोला इसमें 2 पर्ची आई क्या वो फटी हुई थी ना आने दिखाए ये 3 हो गए 21 के और 22 के 5 हो गए 22 के 5 है एकदम सैली का क्या और वैसे भी अगर आ भी जाएगा अगर 21 का तो भी 4 ही होंगे तब भी सैली का हम इम्पोर्टेंट मानते हैं बहुत ज्यादा देखो भाई कैसा देख रहे हो सैली की 22 आई है तो देखा आपने कि किस तरह से 9 में से 6 लोगों के जो पर्ची में आई है उसमें 22 मार्च की डेट आई है और बाकी 3 लोगों में 3 लोग में से मैं सचिन और नन्नू 21 में हमारे में 21 आई है तो भैया 22 की मेजोरिटी ज्यादा है 22 की ज्यादा मेजोरिटी बाकी अब देखो क्या होता है ईश्वर का ईश्वर की सोच क्या है और उसके हाथों में क्या है तो वो चलेगा मालूम आने वाले 2 दिन में क्या होता है अच्छा लगता है दोस्तों जब ना इस तरह से कुछ खेलते हैं परिवार के साथ में तो एक मतलब मजा आता है बस एक थोड़ा सा अच्छा लगता है एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल था अभी कुछ टाइम ना कुछ टाइम पहले मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे वो डॉक्टर थे मेरठ के बहुत बड़े डॉक्टर थे वो तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है ना अपनी जो चाइल्ड मतलब जो मेरी चाइल्ड करूंगा तो मैं अच्छे टाइम पे करूंगा कि आप बताओ कि जिसमें ग्रह नक्षत्र सारे जो राशियां हैं वो अच्छे होने चाहिए सब बेटर हो सारे प्लैनेट अच्छे हो तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा तो चलो जब आना है उसने तब आना है लेकिन फिर भी मैंने एक अच्छा टाइम बता दिया और उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली अपनी टीम बुलवा ली सारे जो डॉक्टर्स हैं जो सिजेरियन है वो सारे बुलवा ली कि मैं इस टाइम पर ही करूंगा क्योंकि इस टाइम पर मुझे बताया गया है कि अच्छा टाइम है अच्छे प्लैनेट्स हैं तो सब कुछ करने के बाद भी जिस टाइम पर वो सर्जरी करने के गए ऑपरेशन रूम पे गए तो उस टाइम पर जो उनकी वाइफ है ना उनका बीपी बिल्कुल लो हो गया और उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा कि अगर इस टाइम पर हम बेबी कर देते हैं
तो फिर या तो बच्चे को रिस्क है या फिर उनकी मदर को रिस्क है, और फिर जाकर वो नेक्स्ट डे हुआ, तो सोचो कि वो जिनका खुद का हॉस्पिटल था, खुद का हॉस्पिटल था, इस चीज पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, वो ये जन्म मृत्यु तो भैया आप किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में, तो सब कुछ जन्म मरण और पालन पोषण भी कैसे सब कुछ फिक्स है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो बस एक फन के तौर पे है, बाकी जिसको जमाना वो तो आएगा ही। चलो अब एक डेबो ले लेते हैं हम, आजा मेरे पास, आजा हम ले लेते हैं, आजा नन्नू, आजा कौन बैठे पापा, चलिए फिर दोस्तों इस वाले ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, और देखते हैं कल का सवेरा हमारे लिए क्या लेकर आएगा, तो चलेगा आप लोगों को मालूम, और मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में, टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय, टेक केयर, जय शंभू।